हाय स्टूडेंट्स, हम लोग इससे पहले प्लेसेंटा के बारे में डिस्कस किए थे। दैट इज द हार्मोनल एस्पेक्ट्स ऑफ प्लेसेंटा ओनली। प्लेसेंटा का तो बहुत सारे फंक्शन है, वो हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखेंगे। आज हम लोग टेक ओवर कर रहे हैं कि किडनी से कौन कौन सा हार्मोन रिलीज होगा। आप लोग जानते हो मेनली थ्री टाइप्स ऑफ हार्मोन सिक्रिटेड बाय द किडनी। वन एरिथ्रोपोएटिन, अनदर रेनिन, अनदर कैल्सिट्रायोल। लिटिल बिट हम लोग नेफ्रॉन का जो है ना फिगर को रिकॉल कर ले। दिस इज द बोन एंड कैप्सूल, दिस इज एफरेंट आर्टेरियोल। आउटसाइड द एफरेंट आर्टेरियोल जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स प्रेजेंट। एफरेंट आर्टेरियोल फॉर्म्स अबाउट 50 कैपिलरीज इन द बोमेन कैप्सूल्स। इट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैविंग द मेसेंजियल सेल्स ऑन द सर्फेस। दीज सेल्स एंटेंगल द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। दिस इज efferent, it forms extensively branches outside the nephric tubule, that is called peritubular capillaries. On the surface of peritubular capillaries, fibroblast cells present. These are the interstitial fibroblasts. Similar fibroblasts are also present on the surface of proximal convoluted tubule. These are the interstitial fibroblasts in the close proximity of PCT, and here it is in the close proximity of peritubular capillaries. These are the PCT cells, proximal convoluted tubule के अंदर का ये cells है PCT cells। ये सब cells का function से जिससे hormone release होता है वो हम लोग अभी discuss करेंगे। तो तीन hormone erythropoietin, renin and calcitriol। First of all we are taking एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन केमिकली क्या है? तो बोले इट इज ग्लाइकोप्रोटीन। ये ग्लाइकोप्रोटीन है। ये एरिथ्रोपोएटिन किडनी से रिलीज होगा। ये कब रिलीज होगा और किडनी के कौन सा सेल से रिलीज होता है? तो बोले रिलीज होगा हाइपोक्सिया। दैट इज बॉडी में अगर ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो रहा है टिश्यूज में तो किडनी रिलीज करते हैं एरिथ्रोपोएटिन। हाइपोक्सिया मीन शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज। हाइपोक्सिया होने का सेवरल रीजन से एक रीजन आरबीसी कम होना, दैट इज एनेमिया होना। अब देखो कि सिक्रीशन कब होगा, हाइपोक्सिया में ज्यादा मात्रा में होगा। कहां से सिक्रीशन होगा किडनी का? तो एक जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल से, दूसरा
इंटरस्टीशियल फाइब्रोब्लास्ट इन क्लोज एसोसिएशन ऑफ पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज एंड पीसीटी मेनली इन द कॉर्टेक्स ऑफ किडनी 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 का बाहरी पार्ट कॉर्टेक्स, ये जो चीज किडनी के कॉर्टेक्स में है यहां से सीक्रेट होता है आपका एरिथ्रोपोएटिन। टू पॉइंट्स, वन केमिकली ग्लाइकोप्रोटीन, सेकेंड साइट ऑफ सिक्रीशन जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल एंड द इंटरस्टिशियल फाइब्रोब्लास्ट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ पेरिटिब्यूलर कैपिलरी एंड पीसीटी इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ कॉर्टेक्स। तो हम लोग इस दो पॉइंट को समअप कर दे, केमिकल नेचर ग्लाइकोप्रोटीन हुआ, साइट ऑफ सेक्रीशन जे जी सेल दैट इज जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल एंड इंटरस्टीशियल फाइब्रोब्लास्ट इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ पेरी टिब्यूलर कैपिलरीज एंड पीसीटी। प्रोबेबली यू गॉट द पॉइंट। टाइम ऑफ सिक्रीशन हाई पॉक्सिया दैट इज शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यूज मेनली ड्यू टू एनीमिया दैट इज लो आरबीसी काउंट। याद रखिएगा केमिकल नेचर क्या है, सिक्रीशन कहां से हुआ, सिक्रीशन इसका कब बढ़ जाता है। अब हम लोग देखेंगे इसका एक्शन, ये क्या काम करेगा। इंक्रीजेज आरबीसी फॉर्मेशन इन द रेड बोन मैरो। ये रेड बोन मैरो से एरिथ्रोपोएसिस कराएगा, आरबीसी का फॉर्मेशन कराएगा। थोड़ा सा मैं यहां आपको बता दूं, आरबीसी फॉर्मेशन में प्रोजीनेटर सेल्स होगा, जिस प्रोजीनेटर सेल्स को बोलते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रॉइड। एरिथ्रॉइड आरबीसी, इस सेल में रैपिड माइटोसिस होगा। ये जो अर्ली स्टेप्स है
इस स्टेप में एरिथ्रोपोएटिन का इन्वॉल्वमेंट होता है, दैट इज द अर्ली स्टेजेज ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन और एरिथ्रोपोएसिस। ये सब सेल में एरिथ्रोपोएटिन का रिसेप्टर्स ज्यादा मात्रा में डेवलप होता है। दूसरा, ये प्रोजीनेटर जो सेल्स है आरबीसी का, उस सेल्स का एपोप्टोसिस होने नहीं देता है, तो प्रिवेंट्स द एपोप्टोसिस ऑफ प्रो प्रोजेनेटर सेल्स ऑफ आरबीसी। बच्चा आई रिपीट, एरिथ्रोपोएटिन केमिकली ग्लाइकोप्रोटीन है, सिक्रीशन होगा हाइपोक्सिया, जो हाइपोक्सिया मेनली ड्यू टू आरबीसी के कमी से होगा। यह सिक्रीट होता है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से और इंटरस्टिशियल फाइब्रोब्लास्ट जो क्लोज एसोसिएशन में है पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज और प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल का ऑफ द रेनल कॉर्टेक्स। क्या एक्शन है इसका? तो बोले आरबीसी फॉर्मेशन को बढ़ा रहा है, और दूसरा, ये जो आरबीसी का प्रोजिनेटर सेल है ये सब सेल को नष्ट होने से बचाता है। अब थोड़ा सा हम लोग कोरिलेट कर ले, क्योंकि मीट में दो तीन टॉपिक मिला के क्वेश्चन देते हैं। आप लोग देखेंगे पिछले दो साल के अंदर एक क्वेश्चन आया जो क्वेश्चन एरिथ्रोपोएसिस से ही संबंधित था, लेकिन उसको विटामिन B12, गैस्ट्रिक अल्सर और एरिथ्रोपोएसिस आरबीसी फॉर्मेशन तीन चीज को कोरिलेट करके दिए थे आपका। तो यहां भी कोरिलेशन आपका एस्टेब्लिश हुआ बोन मैरो आरबीसी फॉर्मेशन के साथ और किडनी का। अब देखें, क्रॉनिक किडनी फेलियोर अगर किसी का है, इन दैट सिचुएशन इसमें एनीमिया होगा, डेफिनेटली एनीमिया होता है। तो फिर इसको काउंटर करने के लिए डॉक्टर आयरन टैबलेट देंगे, कभी कभी एरिथ्रोपोएटिन का इंजेक्शन भी देते हैं। अगर किसी का डायलिसिस होते रहते हैं, आपका किडनी फेलियर हो गया है कंप्लीटली, वो पॉइंट ऑफ नो रिकवरी में आ गया है, तो फिर महीना में दो बार उसको जो है ना एरिथ्रोपोएटिन का इंजेक्शन दिया जाता है कि क्योंकि उसका आरबीसी का लेवल जो है ना मेंटेन रहे। ये बात याद रखिएगा, अगर किडनी फेलियर है तो फिर उसमें एनीमिया होगा, और कोरिलेशन निकल के आ रहा है आपका एरिथ्रोपोएटिन। अब हम लोग अगला ले, दैट इज रेनिन। यह केमिकली प्रोटीन है, साइट ऑफ सिक्रीशन इज द जेजी सेल्स, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल। कब सिक्रीशन होगा? व्हेन सिक्रीट्स? आंसर,
इफ ग्लो मेरुलर फिल्ट्रेशन रेट रिड्यूसेस, यहां जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है ये फिल्ट्रेशन का रेट में अगर कमी आएगा तो फिर आपका जो है ना जेजी सेल से सिक्रीट होता है रेनिन, जो रेनिन केमिकली प्रोटीन होता है। क्वेश्चन है ये रेनिन का क्या एक्शन है, आप लोग जानते हो लिवर, लिवर से रिलीज होता है एंजियो टेंसिनोजेन, ये बेसिकली एक इनएक्टिव हार्मोन है। इसको रेनिन, ये हार्मोन लेकिन फंक्शनिंग एज एन एंजाइम, याद रखिएगा रेनिन है हार्मोन, एंजाइम के जैसे काम करेगा। इसका कुछ अमाइनो एसिड को डिलीट कर देता है जिसके चलते बनेगा एनजीओ टेंसिन फर्स्ट। ये एनजीओ टेंसिन फर्स्ट का फिर क्लिविंग होता है एनजीओ टेंसिन सेकेंड, ये लंग्स में होगा अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ प्रोटीएज एंजाइम। ये एंजियोटेंसिन का कई काम है, हम लोग इसके डिटेल्स में अभी नहीं जा सकते हैं। ये रिलेटेड टू किडनी है, सिर्फ ये एक बोल दे आपको ये एंजियोटेंसिन सेकेंड इफारेंट आर्टेरियल को कॉन्स्ट्रिक्ट करके फिल्ट्रेशन के रेट को बढ़ा देगा। ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, ये ब्लड वेसल को बॉडी में कॉन्स्ट्रिक्ट करके ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ने के मतलब जीएफआर बढ़ेगा, फिर क्या करेगा ये जाते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स, वहां से एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन बढ़ा देगा, जो एल्डोस्टेरोन सॉल्ट का रिटेंशन करा देते हैं बॉडी में, डीसीटी में मेनली काम करते हैं आपका। और जब सोडियम का रिटेंशन होगा साथ में क्लोराइड का भी रिटेंशन होगा, बॉडी में फ्लूइड के मात्रा बढ़ेगा तो नेचुरली ब्लड प्रेशर बढ़ते हैं। डेली लाइफ में हम लोग देखे हैं किसी का अगर बीपी का प्रॉब्लम है, किसी का अगर कार्डियक प्रॉब्लम है तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं सॉल्ट इनटेक को रिड्यूस करो, सीवियर केसेस होगा तो बोल देते हैं कि आप सॉल्ट नहीं ले सकते हो। तो एनएसीएल को अगर बढ़ा देगा एल्डोस्टेरोन तो फिर आपका बॉडी में फ्लूइड का रिटेंशन होगा। तो रेनिन कब सिक्रेट हुआ, जब फिल्ट्रेशन कम होगा। रेनिन एक एंजाइम के जैसे काम करता है, जो एक हार्मोन इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज हुआ उसको एक्टिवेशन में रेनिन का रोल है। अल्टीमेटली एंजियोटेंसिन सेकेंड बना और ये एंजियोटेंसिन सेकेंड वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का काम करता है, पीपी को बढ़ाएगा, एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन को बढ़ा देता है जिसके चलते सॉल्ट का रिटेंशन होगा बॉडी में। तो सिर्फ एक पॉइंट, एनजीओ टेंसिन सेकेंड कॉन्स्ट्रिक्ट
ब्लड वेसल्स इंक्रीजेज एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन। अब हम लोग लेते हैं थर्ड हार्मोन कैल्सिट्रायोल। ये कैल्सिट्रायोल बेसिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 है। ये विटामिन D3 का एक्टिव फॉर्म है। हम लोग इसको थोड़ा सा देख ले। काली कैल्सिफेरॉल ये है D3। लिवर में इसका हाइड्रोक्सीलेशन होगा 25th कार्बन में, तो 25 हाइड्रोक्सी कॉली कैल्सिफेरॉल बना। ये लिवर में होगा एंजाइम हाइड्रोक्सीलेज। इसका फिर हाइड्रोक्सीलेशन होगा। यह हाइड्रोक्सीलेशन करता है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3। 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज। आपको इस एंजाइम का नाम याद नहीं रखना है तो बनता है 125 डाइहाइड्रोक्सी पॉली कैल्सिफेरॉल। यही होता है कैल्सी। दिस इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। यहां आपको देखना होगा इस एंजाइम का एक्टिवेटर क्या है। तो इसका एक्टिवेटर होता है PTH पारा थायराइड हार्मोन। इस एंजाइम का एक्टिवेटर इज पारा थायराइड हार्मोन PTH। ये हार्मोन रेगुलेटर का काम करता है प्रोलैक्टिन ऑल्सो हैविंग सम स्टीमुलेटिंग इफेक्ट। मैं कोरिलेट कर दूंगा आपको। ये जो एंजाइम है इस एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं पैराथायराइड से जो आता है पैराथार्मोन। ये मेन एक्टिवेटर है। प्रोलैक्टिन जो पिट्यूटरी से आता है वो भी टू सम एक्सटेंट इसको एक्टिवेट करता है। अब क्वेश्चन आया ये कहां होगा।
ये जो एक्टिवेशन होकर के कैल्सिट्रायोल बन रहा है इन विच पार्ट ऑफ किडनी, तो अब देखें, ये होता है किडनी का पीसीटी सेल्स में, तो साइट ऑफ सिक्रीशन ऑफ कैल्सिट्रायोल इज द पीटीसी सेल्स। याद रखिएगा, सिंपल क्वेश्चन दे दिया आपको, कैल्सिट्रायोल कहां से, तो बोल दे किडनी से। अगर बोल दिया कि किडनी के अंदर कहां से, तब तो फंसे, तो आंसर होगा पीसीटी सेल से जो है ना ये सिक्रीट होता है। अब रे बच्चा, क्या करेगा कैल्सिट्रायोल, तो इसका एक्शन देखो। साइट ऑफ एक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या कहता है, इंक्रीजेज कैल्सियम एब्जॉर्प्शन जो डाइट्री कैल्सियम है, जो फूड के थ्रू हम लोग इंटेक करते हैं, उस कैल्सियम का एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है आपका कैल्सिट्रायोल। कैसे बढ़ाएगा, तो एक इंक्रीजेज कैल्सियम रिसेप्टर, दूसरा इंक्रीजेज कैल्सियम एटीपीएज, चौथा तीसरा इंक्रीजेज एल्कालाइन फॉस्फेटेज एक्टिविटी। एल्कालाइन फॉस्फेटेज एक्टिविटी को बढ़ाता है, कैल्सियम एटीपीएज को बढ़ाएगा, कैल्सियम रिसेप्टर को बढ़ा देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसका नेट रिजल्ट होगा कैल्सियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। अब आप देखें, हमने आपको बोले कि प्रोलैक्टिन का एक्टिवेशन में रोल है हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का। क्यों, प्रोलैक्टिन मिल्क सिक्रीशन कराता है, मिल्क प्रोडक्शन कराता है, और मिल्क में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होता है। हड्डी कमजोर हो गया किसी का, डॉक्टर बोलेगा मिल्क लीजिए, मिल्क कैल्शियम मतलब मिल्क में कैल्शियम ज्यादा मात्रा में रहता है। तो जब लैक्टोजेनेसिस के लिए, लैक्टेशन के लिए कैल्शियम चाहिए, तो प्रोलैक्टिन कैल्शियम अपटेक को इनडायरेक्टली इंक्रीज कर देते हैं थ्रू द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स। अब यहां एक बात आपको बोले, कैल्सिट्रायोल ये तो बेसिकली विटामिन डी है, डी3 का एक्टिव फॉर्म, ये विटामिन है ना हार्मोन है, घुमा दो बात। कैल्सिट्रायोल को हम लोग हार्मोन क्यों बोलेंगे भाई, क्या रीजन है हार्मोन बोलने का,
तो क्वेश्चन अगर हम दे हॉय कैल्सिट्रायल इज कंसिडर्ड एज अ हार्मोन, क्या आंसर होगा? एक प्रोड्यूस्ड इन बॉडी सेल्स, बोलते हैं 15 मिनट के लिए धूप में बैठो, स्किन को यूवी रेडिएशन में एक्सपोज करो, नॉट इन द मिड डे, अब कैंसर कर देगा। जब लाइट इंटेंसिटी कम हो, आपके बॉडी में इनाफ विटामिन डी बन जाएगा, तो ये हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है, जो हार्मोन होने का एक क्राइटेरिया है। सेकेंड, ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड, ये ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट भी होता है। थर्ड रीजन, ये इंक्रीजेज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स, जिसको ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन समझ में नहीं आया थोड़ा सा बोल दे, डीएनए जीन है, इस जीन से आरएनए का फॉर्मेशन कराएगा, ये एमआरएनए मेनली, इट कुड बी टीआरएनए, इट कुड बी आरएनए, आरआरएनए और सम अदर आरएनए, जिसका प्रोडक्शन को जो है ना आपका बढ़ाते हैं कौन, तो ये तीन पॉइंट जिसके चलते हम लोग कैल्सिट्रायल को हार्मोन कंसीडर करते हैं। बच्चे अब हम लोग हार्मोन सिक्रीटेड बाय हार्ट, हार्ट से कौन सा हार्मोन आएगा ये देखते हैं। हार्ट से एक हार्मोन आता है ये एनपी, एट्रियल नेटरी यूरेटिक पेप्टाइड, एक है बीएनपी ब्रेन नेट्रियल यूरेटिक पेप्टाइड, तीसरा है सीएमपी सी टाइप नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड। बच्चे रे जब टर्म देख रहे हो पेप्टाइड, तो ये तो प्रोटीन है, इसमें अगर मैं आपको बताऊं इसमें है 28 अमाइनो एसिड, सिंपली इसमें है 32 अमाइनो एसिड, इसमें होता है 22 अमाइनो एसिड्स। आपको अमाइनो एसिड के नंबर याद नहीं रखना है, आप याद रखो आपके एनसीईआरटी में एनपी पकड़े हैं। दिस टर्म इज कंफ्यूजिंग, ब्रेन नेट्री यूरेटिक, तो आपका ब्रेन में आएगा कि ये ब्रेन में बनता है, लेकिन ना ये ब्रेन में नहीं बनता है, ये हार्ट से सिक्रीट होता है, लेकिन इसका आइसोलेशन सबसे पहले पोर्सिन पिग के ब्रेन से हुआ था, इसलिए इसको बीएनपी दिया गया है। फिर जब तीसरा कैटेगरी आया तो इसको सी दिया गया, ए बी सी सी टाइप। इस तरह से कई और कैटेगरीज है। क्वेश्चन आया
क्या देखा इसका केमिकल नेचर? तो बोले पेप्टाइड है या बोलो प्रोटीन। बच्चे जी कौन कहां से आता है, कब आता है, इसके लिए हम लोग रफली
effect on the angio tens in second. थोड़ी देर पहले बोले ये क्या करते हैं आपका, कॉन्स्टिक्ट करके बीपी को बढ़ाता है, इस एंजियोटेंसिन सेकेंड को काम करने नहीं देगा कौन, नैट्रीयूरेटिक पेप्टाइड। तो फिर और क्या हो सकते हैं इसका, तो सी देख लीजिए आप लोग, इनहिबिट्स सिक्रीशन ऑफ रेनिन फ्रॉम जेजी सेल्स। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा किया जेजी सेल से आते हैं आपका रेनिन, इसका सिक्रीशन को रोकेगा। चौथा इंक्रीजेज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, फिल्ट्रेशन को बढ़ा देता है, कैसे बढ़ाएगा, थ्रू डाइलेशन ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल, ये जो आर्टेरियोल है इसको डाइलेट करेगा तो ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, और रिलैक्सेस मेसेंजियल सेल्स। देखो ये मेसेंजियल सेल जो कैपिलरी के बाहर उसको कॉन्स्टिक करके रखे हैं, ये सेल अगर रिलैक्स होगा तो फिर आपका जो है ना कैपिलरीज डाइलेट होंगे, ब्लड फ्लो ज्यादा होगा, यहां आपका फिल्ट्रेशन ज्यादा होता है। एनी अदर पॉइंट, तो बोले है क्या है, रिड्यूसेस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम मेनली इन द पीसीटी। इस पीसीटी में सोडियम का जो भी एब्जॉर्प्शन होता है उसको क्या करते हैं, ये रिड्यूस कर देता है। तो हमने देखे नैट्रीयूरेटिक पेप्टाइड हाइपोटेंसिव हार्मोन है, ब्लड प्रेशर को ये कम करता है, लेकिन किस किस तरह से कम करेगा ये आपने जो है ना देख लिया। एनपी बीएनपी सीएनपी हमने जो है ना आपको बता दिए है, और कौन कहां से रिलीज होगा और कब रिलीज होगा ये भी मैंने आपको बता दिया। दैट्स ऑल।